नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 17th of June 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आए या फिर कोई भी नई अपडेट आए तो सबसे पहले आपको वहां पर नोटिफाई कर दी जाए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in। जैसे ही आप लोग विजिट करते कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखेगी, जहां पर आप लोग लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नंबर पर दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप करके भी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो, और साथ ही साथ हमें फोन कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Who have been appointed as a new prime minister of Israel to replace Benjamin Netanyahu, right? तो Ehud Olmert, Naftali Bennett, Mansoor Abbas और Miri Regev। Here the correct option will be option number B, that is Naftali Bennett। तो दोस्तों यहाँ पर Naftali Bennett को, the former जो defense minister रह चुके हैं पहले इसराइल की, अब उनको क्या बना दिया गया दोस्तों, उनको न्यू प्राइम मिनिस्टर का रोल दिया गया है। The 49 years old former tech entrepreneur replaces Benjamin, who has been forced out for the office of 12 years, right? तो ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखनी है। सिर्फ सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पर क्या चीज ध्यान रखना है कि किसे इसराइल का न्यू प्राइम मिनिस्टर दोस्तों यहाँ पर घोषित किया गया है, तो नफ्ताली बेनेट को, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसराइल की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर कैपिटल क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा, और करेंसी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या रहेगा, इसमें एक्स्ट्रास में रहेगा दोस्तों। फर्दर जानकारी के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, और क्वेश्चन नंबर टू हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर विल कंटिन्यू टू एसोसिएशन विद द ब्रांड ऑफ इन इंडिया, राइट? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ पर दोस्तों हमारा जो कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि क्या करने वाले हैं, जो कि आप लोग का यहाँ पर ऑडी इंडिया के साथ, ठीक है, ऑडी इंडिया के साथ क्या करने वाले हैं, अपना जो ब्रांड है उनके साथ उसकी एम्बेसडर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ऋषभ पंत, हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विराट कोहली। तो यहाँ पर विराट कोहली गोइंग टू कंटिन्यू हिज एसोसिएशन विद ऑडी इंडिया, राइट? तो ये बात आप ध्यान रखना। विराट हैज बीन ऑफिशियली एसोसिएट विद ऑडी इन इंडिया सिंस 2015, बट हैज अ ट्रू ब्लू फैन ऑफ द मार्क ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइम, राइट? तो ये बात ध्यान रखना कि ये बहुत बड़े फैन भी ऑडी के, और दोस्तों यहाँ पर ऑडी के ये क्या रहेंगे, और एम्बेसडर भी रहेंगे, और ये एम्बेसडरशिप को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है आप लोगों के, रिसेंटली कौन कौन से ब्रांड के कौन कौन क्या बने थे यहाँ पर, जो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर रोप हुए थे, ये बात आप ध्यान रखना। नियो ग्रोथ के, डिजिट इंश्योरेंस के, वीवो के, वैसे तो लिस्ट मैंने पहले भी दी आपको, लेकिन ये एक रिविजन पॉइंट का एक अच्छा जरिया है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, और क्वेश्चन नंबर थ्री हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। डैश वॉज री इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ कोआई For 2021-2022, विजय ठाकुर, अजय पुरी, सचिन किशोर, अतुल जैन। Here the correct option will be option number B, that is अजय पुरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अजय पुरी। तो भारतीय एयरटेल के दोस्तों अजय पुरी रीलेक्ट हुए एज अ चेयरमैन ऑफ COAI, ठीक है, दैट इज सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर 2021 एंड 2022। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे। प्रेजिडेंट ऑफ रिलायंस जियो इन्फोकॉम प्रमोद कुमार मित्तल विल कंटिन्यू एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ COAI, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन का नाम आपको ध्यान रखना है बस, इसमें आपको और कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, और क्वेश्चन नंबर फोर हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। द आरबीआई हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ BBPS, दैट इज भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बाय 31st August, 1st September, 30th September और 1st October। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 31st of August, राइट? तो यहाँ पर दोस्तों आरबीआई ने क्या किया, एक्सपेंड किया है BBPS का स्कोप, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या दोस्तों, तो द आरबीआई हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम बाय 31st August 2021। ऑल्सो मोबाइल प्रीपेड रिचार्जेस आर एडेड एज अ बिल कैटेगरी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आरबीआई की दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर, तो गवर्नर कौन हो जाते हैं, 25th पोजीशन पर हो जाएंगे शक्तिकांत दास, और डेप्यूटी गवर्नर हो जाते हैं महेश कुमार जैन, एमडी पात्रू,
ठीक है, एम राजेश्वर राव और डेप्यूटी गवर्नर हो जाते हैं आपके टी रविशंकर। दोस्तों महेश कुमार जैन का एक्सटेंड किया गया था कुछ दिन पहले, मैंने आपको ये बात बताई है, तो ये भी आप ध्यान रखना ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। साथ ही साथ इसके बारे में दोस्तों इसकी डेडलाइन भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बढ़ने से पहले दोस्तों डेफिनेटली रिवीजन पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो आरबीआई ने थोड़े दिन पहले अनाउंस किया था टर्म लिक्विडिटी के बारे में कि 50 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी हेल्थ केयर में देंगे, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स है जो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखने हैं। 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी, 10 करोड़ की पेनल्टी HDFC बैंक पे लगाई थी, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को पहले भी अपने सेशंस में बताई है। और ये कुछ और इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट्स है जो आपको दोस्तों यहाँ पर अपने ध्यान रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। नेम द इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइडर इन इंडिया विच लॉन्चेस मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस। LIC, नवी जनरल इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नवी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, राइट। तो यहाँ पर नवी जनरल इंश्योरेंस ने इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों अपने कस्टमर्स के लिए एक मंथली सब्सक्रिप्शन EMI वाला हिसाब, ठीक है। पहले क्या होता था, जब भी हम लोग इंश्योरेंस लेते तो हमें प्रीमियम भरना पड़ता है साल में एक दफा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया इसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब मंथली फी भी इनको कितनी है दोस्तों, 240 रुपए, ज्यादा नहीं, 240 रुपए का यहाँ पर पूरा इंश्योरेंस लेकर आए। तो बहुत ही अच्छा कवर है, आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा, दैट इज नवी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पर क्या बोलता है ये देखते हैं। विच फॉर्मर इंडियन बैट्समैन रिलीजेस हिज ऑटोबायोग्राफी नेम्ड एज बिलीव, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन से ऐसे इंडियन बैट्समैन है जिसने क्या किया अपना ऑटोबायोग्राफी दोस्तों यहाँ पर रिलीज की है, जिसका नाम क्या है आपका बिलीव। MS धोनी, सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुरेश रैना, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मर क्रिकेटर, मतलब फॉर्मर आपके इंडियन बैट्समैन रह चुके हैं सुरेश रैना, अब तो इन्होंने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया दोस्तों। इन्होंने अपनी ऑटोग्राफी लिखी है दोस्तों बिलीव नाम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आपका बन सकता है बुक्स एंड ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, द बुक इज को ऑथर्ड बाय भरत सुदर्शन एंड सुरेश रैना, नरेटेड द जर्नी ही हैड फॉर इंडिया एंड गोल्डन वर्ड बिलीव फ्रॉम सचिन तेंदुलकर दैट ही etched on his arm as a tattoo. तो सुरेश रैना दोस्तों बिलीव नाम का टैटू भी अपने रिस्ट पर करा रखा है, ठीक है, मतलब आपके यहाँ पर एल्बो की तरफ में करवा रखा है, बैंड बनवा रखा है बिलीव का। एंड इन द बुक ही नरेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द होप, लव, वर्क एंड योर वॉट मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट रिवर्टेड वाइट बॉल बैट्समैन इन द वर्ल्ड, राइट। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये बुक किसके द्वारा यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी की गई है, तो सुरेश रैना जी के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ टोटल आउटले ऑफ द फंड इज एलोकेटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टू आंध्र प्रदेश अंडर जल जीवन मिशन 2021 और 2022। ₹3,150 करोड़, ₹3,145 करोड़, ₹3,183 करोड़ और ₹3,188 करोड़। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ₹3,183 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री जल शक्ति ने क्या किया है, इतना रुपए का टोटल फंड आउटले क्या किया है, अलोकेट किया आंध्र प्रदेश को अंडर द जल जीवन मिशन स्कीम, राइट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ग्रांटेड द 3,183 करोड़ रुपीज, राइट, टू आंध्र प्रदेश। द यूनियन गवर्नमेंट हैज अशोर्ड फुल असिस्टेंस टू आंध्र प्रदेश फॉर मेकिंग प्रोविजन टैप वाटर सप्लाई इन एवरी रूरल होम बाय 2024, ठीक है। तो जल जीवन मिशन की बात करूं तो दोस्तों मोदी जी ने अनाउंस किया था जल जीवन मिशन को 15 अगस्त 2019 में, राइट। तो ये बात ध्यान रखना कि 2024 तक हर गांव में पानी होना चाहिए, टैप होना चाहिए, ये बात। अब रिसेंटली एलोकेटेड आपको एलोकेशंस यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी दोस्तों, आप इसको पढ़ सकते हो रिविजन पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेटिव पॉइंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। एवरी ईयर द ग्लोबल विंड डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 15 जून, 16 जून, 17 जून और 18 जून। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 15th of June। तो दोस्तों ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है, 15 जून को मनाया जाता है हर साल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली इस दिन को मनाया जाता है टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द विंड एनर्जी टू वेरियस यूजेस ऑफ विंड एनर्जी एंड द वेज पॉसिबिलिटी एज टू हाउ विंड एनर्जी कैन हेल्प टू चेंज द वर्ल्ड, राइट। तो यहाँ पर इसके दोस्तों कोई थीम तो नहीं दी हुई है, लेकिन हाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड विंड डे को कब मनाया जाता है, तो 15 जून को मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। IIT रोपड़ डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट पावर फ्री CPAP डिवाइस नेम्ड एज। तो आपको बताना है IIT रोपड़ ने दोस्तों बेसिकली एक CPAP डिवाइस बनाया जिसका नाम उसने क्या रखा है, ये बताना है आपको। वायु जल, जीवन हवा, जीवन वायु, जीवन सेहत, हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जीवन वायु, राइट। तो ये बेसिकली आप लोग को समझ में आ गया होगा कहीं
ना कहीं ये किससे रिलेटेड होगी दोस्तों, एयरवे प्रेशर से, राइट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपर हैज डेवलप्ड अ डिवाइस डब्ड एज जीवन वायु विच कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन। जीवन वायु वॉज अ डिलीवर हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन फॉर 60 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जैसा कुछ है दोस्तों, जिसकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो। और जल जीवन वायु के बारे में अगर आपको और जानना है तो आप ये पॉइंट्स को क्या कर सकते हो दोस्तों, गो थ्रू कर सकते हो। बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई के लिए COVID-19 की सिचुएशन देखते हुए, जो ऑक्सीजन की दोस्तों आजकल डिमांड सप्लाई में जो गैप हुआ है, उसको कहीं ना कहीं भरने के लिए बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं IIT वाले भी और हर जगह। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका नाम ध्यान रखिएगा जीवन वायु, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, जीवन वायु। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज के हमारे दोस्तों सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोग के साथ। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ संचारी विजय हु पास्ड अवे रिसेंटली? पॉलिटिशियन, एक्टर, जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्समैन? हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्टर। तो दोस्तों नेशनल अवार्ड विनिंग कनाडा फिल्म एक्टर संचारी विजयन का क्या हो चुका है दोस्तों, देहांत हो चुका है, डिमाइस है। और बिचरी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। ही मेड अ डेब्यू इन फिल्म्स 2011 विद द कन्नडा फिल्म रंगरप्पा होगबिंटा, ठीक है। तो इसके साथ इन्होंने डेब्यू किया था और अब इनका यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, देहांत हो गया, ठीक है। और इनको दोस्तों नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था, विच ही प्लेड द रोल ऑफ ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो दोस्तों उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के स्क्रीन पर पॉप आउट हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों कोई और जानकारी चाहिए या फिर कोई और इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन सभी लोगों को, एस्पिरेंट्स को जो भी एग्जाम देना चाहते हैं उन्हें फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, थैंक यू सो मच and have a nice day.